सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमें ईदी मिलती है, उसको हम क्या करते हैं, हम न्यू टॉयज़ ले लेते हैं या उसको राइड्स ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी शॉप में चले जाएं और वहाँ पर जाके स्वीट जो कैंडीज होती हैं, ठीक है, उनको, चॉकलेट्स हो गई, वो हम लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है, या कोई ड्रिंक हो गया वो हम लोग ले लेते हैं, यानी कि हमें ईदी मिलती जाए और हम साथ ही उड़ाने के चक्करों में लग जाते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी था ईद का, ठीक है। तो सोचें फिर कि हामिद जो है एक पुअर बॉय है, ठीक है, इस पूरी स्टोरी के अंदर उसके पास पॉकेट में सिर्फ 3 पैसाज होते हैं जो कि उसने खर्च करने होते हैं, उसने घर की चीज़ें लेनी होती हैं, उसका भी बड़ा दिल करता है, जैसे बाकी लोग जो हैं वो कुछ फ्रेंड्स उसके राइड ले रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स उसके जो हैं वो टॉयज़ ले रहे हैं, तो उसका हर जगह पर दिल करता है कि मैं जो हूँ मैं भी ये अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, ठीक है, और इन्जॉय करूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इनफ मनी जो है वो होता। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये मुंशी प्रेमचंद जो कि उर्दू के राइटर हैं बहुत अच्छे, ठीक है, उन्होंने ये फेस्टिवल ऑफ ईद यानी कि ईद का त्यौहार जो है वो उर्दू में लिखा है, और अब ये ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आपके सामने आई हुई है सारी स्टोरी, ठीक है, और अब आप इसको मज़ीद आगे जो है थीम इसकी जो है वो हम पढ़ते हैं।